अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, अभी मैं मेडिसिन लेने निकला था घर से, यहाँ पर जो है ना ये मेडिसिन ले रहा था मैं, और अचानक बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। पूरी रात बारिश हुई है, सुबह भी हुई है फजर के टाइम। तो मुझे बहुत ही भी टेंशन हो रही है अपने परिंदों की। जल्दी से जाते हैं, उनको देख के आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है तरपाल भी नहीं थी, प्लास्टिक जो था वो मैंने हटा दिया था जैसा कि आपको याद होगा। तो मेरे जहन में भी नहीं था यार कि अचानक ऐसे बारिश हो जाएगी, और हमारे तोतों ने अभी बच्चे भी दिए हैं। तो यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अभी फटाफट जाते हैं घर और देखते हैं क्या हालत है, निकलते हैं फटाफट। ओह फाइनली यार मैं घर आया हूँ अभी, और मैंने देखा है कि यहाँ पर घर वालों ने, बल्कि नहीं अतीक ने, हाँ उसने बिछा दिया था प्लास्टिक रात को, मुझे ये उसने अभी मैसेज में बताया हुआ है। तो बहुत अच्छा काम हो गया ये तो। और उसके अलावा यहाँ पर कबूतर सारे अपने अपने कमरों में अंदर। तुम क्या कर रहे हो बाहर, तुम भी जाओ यहाँ से, उड़ो जाओ। बारिश अभी भी हो रही है काफ़ी, पर अभी थोड़ा गुजारा हो गया, देखें ठीक हो गई है बारिश, ज़्यादा नहीं हो रही अब। तो अभी जो है थोड़ी देर वेट करते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तो इनको दाना पानी कर देंगे सबको। यार मुझे याद आया कि हमने रमज़ान में मुर्गी बिठाई थी अंडों पर, और काफ़ी टाइम हो गया उस मुर्गी को बैठे हुए। तो उसके नीचे जो है हमने अपनी ये जो है मुर्गियां, क्या कहते हैं इन्हें, बेंटम, ये वाली मुर्गियों के अंडे भी थे, वो हमने उसके नीचे भी रखे थे। तो अभी देखते हैं कि कितने चूज़े निकलेंगे, या हो सकता है निकले हों चूज़े, या फिर ये भी हो सकता है कि अंडे सारे ख़राब हों। होप फॉर द बेस्ट ही करेंगे, अभी जाके चेक करते हैं क्या हालत है। यार यहाँ पर गंद बहुत डालती है, ये देखिए ना क्या है। अपना ये लो फोन तो पकड़ो, यहाँ पर बैठाई थी मुर्गी। वो बैठी हुई माशाल्लाह। तो अभी जो है क्या हालत कर दी इसने यार, ये तो गंदे बहुत हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ठीक है ये अंदर। ढक्कन को भी इनकी वेट, ये खराब है, एक ना एक लाइट की तरह लग गया, बल चुका है, ये खराब है अंदर। एक खराब दो सही हो गए, ये भी मेंटम का ठीक है माशाल्लाह, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कुछ दिनों में बच्चा भी निकलेगा इसमें से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ अंडे ठीक हैं, दो ख़राब हैं, बाकी सारे अंडे किधर हैं, बस इतने ही थे, नौ ही हैं बस। अब ये रख देते नीचे प्यार से, आराम आराम से रख दो। नीचे ले लो मुर्गी जी, यार एक मुर्गी को हटा देता हूँ। यार बहुत ही अच्छी से इसने इंक्यूबेट किए हैं सारे, ये अंडे की शेप ही चेंज है यार, ये वाले अंडे की, इस अंडे की वाकई शेप चेंज है, शायद ये किसी और चीज़ का। यार मुझे तो ये ख़राब लग रहा है, चलो रख दो, हो सकता है अगर ठीक ही हो, नहीं उसमें रख दो ना, वो बैठ जाएगी अब यार किस्मत के भरोसे। तो गाइस ये अंडे ख़राब हैं, ये वाले भी हम मुर्गियों को डाल देते हैं, खुद ही खा लेंगे, देखिएगा खराब खराब दोनों ही खराब हैं, ये वाला भी फेंको यार, कचरे में फेंकेंगे, इससे स्मेल आ रही है। हाँ ये भी है, मुर्गियाँ ना बीमार हो जाए ना, ये हो सकता है मुर्गियाँ अक्सर बीमार हो जाती हैं ऐसी चीज़ों से। रुको मुझे देखना है, मुझे डाउट है उस पर। फाइनली यार इस संडे को मैंने फेंका है ना, तो ऐसे जैसे ब्लास्ट हुआ डस, ऐसी आवाज़ आई, ये इतना ख़राब था, इसमें जर्दी भी नहीं है, अजीब गंदा हुआ, स्मेल बहुत गंदी थी। मेरा हाथ वगैरह
हाथ धो के आता हूँ उसमें। मेरे भी हाथों में होगा यार, मैंने भी पकड़ा था अंडा तो। आओ हाथ धोते हैं। गाइस अभी शाम हो गई है और शाम नहीं रात हो गई है, रात, हाँ रात ही हो गई है। तो गाइस इसका जो है ना कल छत का इंशाल्लाह प्रोग्राम हो जाएगा, यानी कल इंशाल्लाह छत का बंदोबस्त हो जाएगा। बिल्ली का डिनर बैठा हुआ, ये कहाँ बैठी है, इसको नीचे करो, नीचे फेंक दे, बस नीचे चली जाएगी। ये अक्सर ये मुर्गी यहाँ पर आके बैठ जाती है, इसकी आदत बन चुकी है। ये पहले जो है ना, ये ऊपर बीम है ना ये वाली, यहाँ पर जाके अंडे देती थी ये। तो कल इंशाल्लाह हम अपनी इस छत को ठीक करवाएंगे, यानी खुद एक मैंने आइडिया सोचा है, वो आइडिया बहुत मुझे लग रहा है काम करेगा अच्छे से इंशाल्लाह। वो आइडिया कल इस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह, छत देखना बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। तो अब आज की वीडियो बस इतनी थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।